नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय उच्च पथ संस्थान 527 से दरभंगा रोसड़ा के निर्माण की स्वीकृति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके बाद अब जल्द ही निर्माण के लिए निविदा भी निर्गत की जाएगी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुद कही है, जिसके बाद ही लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से लोग इस सड़क के निर्माण का इंतजार कर रहे थे। वहीं सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा है कि इसके निर्माण से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार का आवागमन सुलभ हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि NH 527E नव घोषित राष्ट्रीय उच्च पथ है, जो दरभंगा के रामनगर से शुरू होती है और समस्तीपुर जिला होते हुए रोसड़ा तक जाती है। इस पथ का निर्माण दो लेन में किया जाना है। निर्माण कार्य अगर इस साल शुरू हो जाते हैं, जिसके शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि COVID-19 की वर्तमान परिस्थिति पर सब कुछ निर्भर करेगा कि कब सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि समय पर इसको लेकर के काम शुरू करवा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो साल 2024 तक इसके पूरा होने का लक्ष्य भी है, यानी कि साल 2024 में दरभंगा और समस्तीपुर वासियों को दरभंगा से रोसड़ा तक की फर्राटेदार सड़क मिल जाएगी, जिसके बाद इस सड़क को 10 साल तक मेंटेनेंस में रखा जाएगा, यानी कि साल 2034 तक इसके मेंटेनेंस का काम होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की माने तो यह पथ रोसड़ा को आमस दरभंगा से जोड़ने में बेहद ही मददगार साबित होगा। इसके निर्माण में जहां एक तरफ दरभंगा से रोसड़ा की तरफ जाना आसान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का आवागमन और अधिक आसान होगा। इस काम के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का आभार भी उन्होंने प्रकट किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से ही बिहार के विकास के लिए तत्पर नजर आए हैं। राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार द्वारा भी इस परियोजना के निर्माण में हर संभव सहयोग किया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर के पिछले साल ही दिसंबर महीने के मध्य में पथ निर्माण मंत्री ने बड़ी जानकारी दी थी और जल्द ही इन योजनाओं की निविदा निर्गत करने की बात कही थी, जिसके बाद ही बिहार वासियों को जल्द ही एक और शानदार सड़क की सौगात मिलने की उम्मीद अब जागृत हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली है, तब से ही बिहार के विभिन्न जिलों में सड़कों को लेकर के इनके मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुलभ और सुगम आवाजाही मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।